हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा क्लास जो है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड्स है री इनवाइगोरेट। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टू मेक समवन फील हेल्दियर एंड मोर इनर्जेटिक अगेन, यानी कि किसी को फिर से स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराने के लिए। ठीक है, री इनवाइगोरेट यानी कि किसी को फिर से स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग यही हो गया, किसी को फिर से स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनियस। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनियस। वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा रहे तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब है मेकिंग यू फील इम्बेरेस्ड। मेकिंग यू फील इम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा करने वाला। ठीक है, इग्नोमिनियस वर्ड का हिंदी मीनिंग होगा शर्मिंदा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और वरी अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग और माइट हैपन इन द फ्यूचर, यानी घबराहट की असहज भावना या भविष्य में होने वाली किसी चीज के बारे में चिंता करना, उसे ही एंजाइटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है समथिंग डेट विल क्योर ऑल डिजीज और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, या फिर ए यूनिवर्सल रेमिडी, यानी कि कोई चीज जो सारे डिजीज और सारे प्रॉब्लम्स और सारे डिफिकल्टीज को सॉल्व कर दे, खत्म कर दे, उसे उसे ही पेनेसिया कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रोग तथा किसी संकट में परिस्थिति की सभी कठिनाइयों का निवारक, या फिर सर्व रोग हर, उसे ही पेनिसिया कहते हैं। ठीक है, रोग या किसी संकट में परिस्थिति के सभी कठिनाइयों का निवारक, उसे ही इंग्लिश में पेनिसिया कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस। वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टेरिबल, हार्मफुल और फेलिंग कंप्लीटली, यानी कि अनर्थकारी, दुखद या फिर विनाशकारी, उसे ही डिजास्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिनाकल। नेक्स्ट वर्ड है पिनाकल। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है द मोस्ट सक्सेसफुल और एडमायर्ड पार्ट ऑफ ए सिस्टम और अचीवमेंट। द मोस्ट सक्सेसफुल और एडमायर्ड पार्ट ऑफ ए सिस्टम और अचीवमेंट, उसे ही पिनाकल कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी प्रणाली या उपलब्धि का सबसे सफल या प्रशंसित हिस्सा, यानी कि किसी प्रणाली या उपलब्धि का सबसे सफल या प्रशंसित हिस्सा, उसे ही पिनाकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स फियास्को। नेक्स्ट वर्ड है फियास्को। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा समथिंग प्लान्ड दैट गोज रॉन्ग एंड इज ए कंप्लीट फेल्योर, यूजुअली इन एन एम्बैरेसिंग वे, यानी कुछ ऐसा नियोजित जो गलत हो जाता है, यानी कि जो पहले से कुछ प्लान्ड है वह गलत हो जाता है और वो जो है एंड इज ए कंप्लीट फेल्योर और वह पूरी तरह से विफल हो जाता है, यूजुअली इन एन एम्बैरेसिंग वे, आमतौर पर शर्मनाक तरीके से, उसे ही फियास्को कहते हैं। ठीक है, उसे ही फियास्को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमिनियसली। नेक्स्ट वर्ड है ओमिनियसली। वर्ड लास्ट में एलवाई लगा है, ये जो है एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है इन ए वे दैट सजेस्ट दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब कि एक तरह से जिससे पता चलता है कि कुछ अप्रिय होने की संभावना है। ठीक है, ओमिनियसली इन ए वे
दैट सजेस्ट दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब कि जिससे पता चलता है कि कुछ अप्रिय होने की संभावना है, उसे ही ओमिनियसली कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बोटलनेक। नेक्स्ट वर्ड है बोटलनेक, ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए नैरो पीस ऑफ रोड दैट काउजेज ट्रैफिक टू स्लो डाउन और स्टॉप, मतलब कि सड़क का वह तंग या संकरा भाग जिसके कारण यातायात मंद पड़ जाता है या फिर यातायात रुक जाता है, उसे ही बोटलनेक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। ये हमारे चैनल पे रेगुलर होता है। जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।